नमस्कार, द मॉडर्न मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका आपने स्वागत है। आज थर्सडे 6 जनवरी। सबसे पहले वेबिनार अपडेट की बात करें तो इस शनिवार हम आपके लिए दो वेबिनार लेके आ रहे हैं। पहला वेबिनार कॉटन कॉम्प्लेक्स पे है, जिस ढंग से हमने 2021 के अंदर कॉटन कॉम्प्लेक्स में बड़ी तेजी देखी है, वैसा ही कुछ माहौल 2022 के लिए भी रहेगा। तो ऐसी क्या फंडामेंटल्स है और हेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज पे, ये समझने के लिए इस वेबिनार को आप जरूर अटेंड कीजिए। इस वेबिनार में हम टेक्निकल, फंडामेंटल और फिजिकल मार्केट के ट्रेड्स को भी समझेंगे, साथ में कमोडिटी सीजनैलिटी और कमोडिटी रेशियो। इधर हमें समझ में आता है कि कौन सी कमोडिटी ऐसी है जो 2022 के जनवरी में और परफॉर्मिंग हो सकती है। दोनों वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल के सेशन में अगर M6 बुलडेक्स की बात करें तो मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि फेड के मिनट्स आने थे और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि फेड के मिनट से कुछ नया अपडेट आएगा। तो हमने देखा कि इकोनॉमी को काफी अच्छे मूव करते हुए दिखा रही है। जॉब कंसर्न थोड़े बहुत है, बट इन्फ्लेशन कंसर्न के साथ साथ हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड बाइंग के जो प्रोग्राम है वो जल्दी से स्टॉप होते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते डॉलर में एक उछाल आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हमने उछाल आते हुए नहीं देखा। हमने देखा CFTC की अगर रिपोर्ट की अगर बात भी करें तो यहाँ पे नेट लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, जिसके चलते हमने देखा कि डॉलर में तेजी और उसी के चलते सोने और चांदी में एक फ्लैटिश टोन देखा। और निकॉन के कंसर्न की वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट भी मिलता दिखाई दिया, उसी के चलते बुलडेक्स 14,000 से लेकर 14,240 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। आज के लिए दिन के सेशन में M6 बुलडेक्स में गिरावट रहेगी, जो 14,000 से 13,980 तक का लेवल दिखा सकता है, उस ड्रॉप पे हम लेकर चल सकते हैं जो अपसाइड में 14,100 तक का लेवल दिखा दे। वहीं गोल्ड में कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 48,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, बट जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 48,200 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलता है ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। वहीं साथ में अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस करीबन 62,200 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, बट फेड के अपडेट के बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड जब तक 48,200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है 47,550 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 61,000 से 61,200 तक के सपोर्ट देखने मिलेंगे। तो आज के लिए दिन में सोने और चांदी में गिरावट रहेगी, इवनिंग सेशन में फिर से मार्केट में बाइंग आते हुए दिखाई देगी। क्रूड ऑयल के अंदर हमने इन्वेंट्री के चलते प्राइजेस को सपोर्ट जरूर देखा है, बट अपसाइड थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक गिरावट रहेगी, जहाँ पे हम ब्रांड को 80 के आसपास देख रहे हैं और WTI में भी हम 1% की गिरावट देख रहे हैं। उसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में भी पड़ते हुए देखेंगे, जो 5650 तक का लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस में हमने तेजी जरूर देखी है, पर 290 के ऊपर जब तक प्राइजेस नहीं निकलता है 270 से 290 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। आज दिन के सेशन में 290 तक मिलता है वहां पे बिकवाली कीजिए 280 के टारगेट के लिए। कल पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने दबाव आते हुए देखा, जिस ढंग से डॉलर में मजबूती आई है वो कहीं ना कहीं बेस मेटल को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर 740 से 748 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिंक के अंदर हम आज एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे, जो 286 तक का लेवल। निकल के अंदर कल हमने गिरावट आते हुए देखी, जिस ढंग से स्टेनलेस स्टील की जो डिमांड है उसमें भी ड्रॉप आते हुए देख रहे हो, और एनर्जी कंसर्न्स बना हुआ है जो प्राइजेस को लोअर लेवल पे सपोर्ट करेगा। बट एल्यूमिनियम में हमने देखा कि पिछले 2 दिन से कैंसिल वारंट काफी बढ़ रहे थे, जो संकेत दे रहा है कि लार्जर डेफिसिट हो सकता है, जिसके चलते कल हमने एक जबरदस्त तेजी एल्यूमिनियम में बनते हुए देखी। आज LME पे मार्केट साइडवेज और नेगेटिव, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ सकता है। दिन के सेशन की गिरावट में हम लेके काम करेंगे। इंटरनेशनल के अंदर गोल्ड 1810 के करीब है, जो कहीं ना कहीं 1800 से 1820 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चांदी 22,500 से 23,300 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई। डॉलर इंडेक्स काफी स्टेबल है। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो सर्विस PMI के डेटा चाइना से अच्छा आया है, जो बेस मेटल को एक्चुअली सपोर्ट करना चाहिए। फैक्ट्री ऑर्डर का डेटा अच्छा है, जो बेस मेटल के लिए अच्छा रहेगा, जबकि UK से सर्विस PMI के आंकड़े भी अच्छे आने की उम्मीद है, बट US से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो फ्लैटिश आने की उम्मीद है। फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में ड्रॉप है जो प्राइस को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। M6 बुलडेक्स में आज बिकवाली कीजिए 14,000 से 13,980 के टारगेट के लिए। गोल्ड में बिकवाली कीजिए 47,550 के टारगेट के लिए। क्रूड में बिकवाली कीजिए 5650 के टारगेट के लिए। लेड में बिकवाली कीजिए 186 से 185 के टारगेट के लिए। ओवरऑल आज कमोडिटी मार्केट में दबाव रहेगा फेड की अपडेट के बाद और डॉलर की मजबूती के चलते। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी